भाइयों और बहनों, चाबुए के तो नाम में ही चाय है। यहां रोपा गया चाय का पौधा आज दुनिया में कहां कहां अपनी सुगंध फैला रहा है, ये हम सभी जानते हैं। ऐसे में आज जब आपके बीच आया हूं तो एक पीड़ा भी आपसे कहे बिना नहीं रह सकता हूं। मेरे भीतर के उस दर्द को, आपके उस दर्द को जो महसूस करता हूं, इस बात को आज मैं यहां आपके बीच में कहे बिना नहीं रह सकता हूं। मुझे ये देखकर तकलीफ हुई कि इस देश की एक ऐसी पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी, जिसने 50-55 साल तक इस देश पे राज किया, ऐसी कांग्रेस पार्टी आज भारत की चाय की पहचान को मिटाने वालों का खुले आम समर्थन कर रही है। क्या ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? ऐसी कांग्रेस को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या दुनिया में से चाय को मिटाने देना चाहिए? चाय को मिटाने का षड्यंत्र करने वालों को इस चुनाव में सबक सिखाना चाहिए? सिखाओगे? पक्का सिखाओगे? असम की चाय से, असम के मान सम्मान से, यहां के लाखों टी वर्कर से, उनके जीवन से कांग्रेस का खिलवाड़ करना, ये असम की और हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हाल में आपने भी एक टूलकिट की चर्चा सुनी होगी। इस टूलकिट में असम की चाय और हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ योग, इसको पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। टूलकिट बनाने वाले चाहते हैं कि हमारे चाय बागानों को भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे, और ऐसी कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने की हिम्मत करे। भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस को हम माफ कर सकते हैं? क्या कभी भी माफ कर सकते हैं? क्या अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कांग्रेस इस स्तर पर आ जाएगी, इसकी उम्मीद देश को कभी नहीं थी। इसलिए असम की चाय के खिलाफ साजिश रचने वाली कांग्रेस जब असम की अस्मिता की बात करती है तो उसके सारे नकाब खोखले नजर आते हैं। भाइयों बहनों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब असम के लोगों से बहुत दूर हो चुकी है। अभी 2-3 दिन पहले इन लोगों ने श्रीलंका की एक फोटो दिखाई और कहा कि ये असम है। कुछ हफ्ते पहले इन्हीं लोगों ने ताइवान की फोटो दिखाई और कहा कि ये असम है। भाइयों बहनों, गलती एक बार हो सकती है, लेकिन जब गलती दोहराई जाए तो वो गलती नहीं है,
प्रवृत्ति बन जाती है, प्रवृत्ति होती है। ये इतने खूबसूरत असम के साथ अन्याय नहीं है तो और क्या है? ये असम का अपमान नहीं है तो और क्या है? क्या असम का अपमान सहन करेंगे? कांग्रेस असम के लोगों से, यहां की संस्कृति, यहां के तौर तरीकों को भूल चुकी है भैया, भूल चुकी है।